लिखा ही यहाँ पे लिखा हुआ इम्रा को, पढ़ाइए हमारे व्यूवर्स को। अब देखिए इसको गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो इस ब्रांड को, देखा इस अब देखिए एम्ब्रा को करके और जूम करके दिखाइए कम, और इसका फ्लैप का क्वालिटी देखिए दोस्तों। अब देखिए इसका आप देखिए क्वालिटी देखिए इसको कैसा बेहतरीन क्वालिटी का फ्लैप है पूरा, देखिए टर्निंग हो रहा है जो डाउन हो रहा है इसका क्वालिटी देखिए। अब देखिए बेहतरीन क्वालिटी का मिल्क का निकलना स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर, देखिए 20 रुपए का प्लेटर में कितना माल निकला है देखिए दोस्तों, 20 रुपीज का जो हमने मटेरियल डाला था उसका पूरा प्लेट भर चुका है, पूरी बोतल हमने डाल दी है, या तो ड्राई फ्रूट डाले हो नेचुरल कोई भी फ्रूट डालो, फ्रूट का डेकोरेशन करो कटिंग करके। आप देखिए इस तरह से आप इसको ट्रिंकल टॉपिंग्स डाल सकते हो अलग अलग। अब देखिए हमारा डेकोरेशन डिश यहाँ पे डेकोरेटिंग हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मार्केट से अलग आपके लिए लेके आए। तो दोस्तों आज स्पेशली डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी लेके आई 2024 लेटेस्ट बिजनेस आइडिया। इस बिजनेस को आप कोई भी जगह पे अपने रनिंग बिजनेस में या न्यू बिजनेस में या रोड साइड खड़े रहकर दोस्तों रोजाना 4,000 से लेके रोजाना 4,000 से लेके रोजाना 12,000 तक का मुनाफा प्रॉफिट कर सकते हो, अलग अलग मॉडल अलग अलग रिक्वायरमेंट की मशीन लेके। सबसे ज्यादा चलने वाले गर्मियों में दोस्तों आप अगर ये बिजनेस ये मशीन लेके सिर्फ 15 दिन अच्छे से काम करेंगे पूरी मशीन की पैसा पूरी मशीन की पेमेंट आपकी बाहर निकल जाएगी सिर्फ 15 दिन के अंदर दोस्तों, इतनी बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों। ये मशीनों के अंदर दोस्तों 100+ वेराइटी 100 से भी ज्यादा आप वेराइटीज निकाल के अपने कस्टमर को दे सकते हो, ऐसा कोई फिक्स वेराइटी नहीं है कि एक ही वेराइटी बना के देना है। प्लस इसके अंदर से जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों 2 रुपए का बनेगा दोस्तों, आप कम से कम 20-25-30 रुपए में आसानी से सेल कर सकते हो, और कोई भी फ्लेवर का मटेरियल इसमें बना सकते हो, चाहे वाटर बेस है चाहे नेचुरल बेस है चाहे नेचुरल फ्रूट का जूस है चाहे सिंथेटिक है, कोई भी फ्लेवर आप इसके अंदर डालेंगे विद इन 5 सेकेंड के अंदर उसका आइसक्रीम या स्नो बना के मशीन निकाल दिए दोस्तों। तो इतने सारे मॉडल आपके सामने पड़े हैं आपकी रिक्वायरमेंट आपके बजट के हिसाब से और आपकी जगह के हिसाब से दोस्तों आप बिजनेस को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम के गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मशीन है दोस्तों कोरियन आइसक्रीम मशीन बोलते हैं, बिंशू आइसक्रीम मशीन बोलते हैं, स्नोफॉल मशीन बोलते हैं, इसको बहुत सारे अलग अलग नेम से बोला जाता है दोस्तों। बड़े बड़े मॉल में दोस्तों 400 रुपए तक की प्लेट है, ये बिजनेस में ये प्रोडक्ट जो निकलेगा उसकी 400 रुपए की 400 रुपीज की प्लेट मिलती है, और उसको बनाने का खर्चा दोस्तों 40 से 50 रुपए में गिरता है दोस्तों। जैसा वेरायटी जैसा इक्विपमेंट आप उसके अंदर बनाएंगे वैसा आपको रेट बेहतरीन मिलेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने लॉन्च किए दोस्तों मार्केट में रोड के ऊपर चलने वाली बिना बिजली पे बैटरी से चलने वाली स्नोफ्लेक मशीन। अगर आपके पास दुकान नहीं है अगर आपके पास शॉप नहीं है तो आप रोड के ऊपर अच्छी स्ट्रीट एरिया स्ट्रीट के ऊपर खड़े रह के बिजनेस कर सकते हो। आप देख सकते हो पूरी मशीन बैटरी ऑपरेटेड है, पूरी कार्ट बनाई है दोस्तों, आप इसको घर से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर ले जाना है दोस्तों, तो कहीं पे भी आप ले जाके बिजनेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों, आप देखिए पूरे हैवी ड्यूटी व्हील्स डाले हुए रबर वाले पूरे, देखिए जो रोड एरिया है मार्केट एरिया है खंडे वाला विस्तार है कहीं पे भी आप इसको चला सकते हो ऐसे। देखिए ये मशीन के अंदर फिलहाल कोई भी बैटरी कोई भी पावर कोई भी इलेक्ट्रिक कोई भी 220 का वोल्ट का पावर दिया नहीं है दोस्तों, इसके अंदर बैटरी डाली हुई है, पूरी मशीन बैटरी से चल रही है, इसका कंप्रेसर है कूलिंग सिस्टम है टोटली चीज बैटरी से चल रहा है दोस्तों। आप देखिए पूरी स्टेनलेस स्टील से मशीन को बनाया गया है दोस्तों, कहीं पे भी लोहा एमएस यूज नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पे हमने इन्वर्टर और बैटरी का सेट लगाया हुआ है। देखिए ये डोर है यहाँ पे इन्वर्टर और बैटरी का सेट इसके अंदर लगाया हुआ है, यहाँ पे खाली जगह दी है, यहाँ पे आप कोई भी सामान स्पेयर पार्ट की या कुछ भी इंटीग्रेंस रखना है तो रख सकते हो दोस्तों। अब देखिए पूरी मशीन का फ्रंट लुक आपको दिखा देता हूं दोस्तों, आप देखिए पूरी मशीन चालू है और यहाँ पे आइस का रोल जम चुका है दोस्तों, आप देखिए बर्फ का रोल जम चुका है, और ये मशीन के अंदर दोस्तों यहाँ पे हमने बाउल दिए गए हैं, देखिए पूरा ये पूरा बाउल दिया है, यहाँ पे आप कोई भी इंटीग्रेंस से मिल्क वाला प्रोडक्ट है कोई भी ऐसा बोतल से कोई भी फ्रूट से नेचुरल फ्रूट से है दोस्तों। आप देखिए हमारे पास फिलहाल यहाँ पे नेचुरल फ्रूट्स भी आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई भी ऑरेंज मौसम्बी दाड़म उसका भी फ्रूट का भी जूस आप निकाल के कस्टमर को लाइव स्नो बना
बना के निकाल सकते हो। मशीन यहाँ पे चालू है दोस्तों, आप इसमें से इस तरह का पल्पी ड्रिंक से इसको भी निकाल सकते हो, इस तरह का मैंगो माजा फ्रूटी का फ्लेवर है ये भी लाइव डाल के निकाल सकते हो, सोडा का फ्लेवर है, थम्सअप, जीरा मसाला, ऑरेंज फ्रूट बियर, एप्पी फिज, ये हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है एप्पी फिज का, ये भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह का पेपर बोट टाइप का ड्रिंक जो बाजार में मिलता है उसको भी आप डाल के तुरंत 5 सेकंड के अंदर उसका स्नोफ्लेक बन के निकल जाएगा। वीडियो के अंदर दोस्तों आपको लाइव दिखाएंगे, दोस्तों आप देखिए हमारे पास ये पल्पी का फिट हो रहे ड्रिंक है, इसको हम खोलेंगे, अब देखिए तकरीबन इसमें से एक कप लेंगे, देखिए दोस्तों एक कप का माल ले लिया पल्पी का, तुरंत डालने से सीधा निकलेगा, देखिए दोस्तों तुरंत डालने से, एक मिनट भी वेट नहीं करना है आपको, सीधा डाला और सीधा निकलना चालू हो गया, देखिए दोस्तों एक मिनट भी रुकना नहीं है आपको दोस्तों, जूम करके बताइए हमारे व्यूअर्स को, अब देखिए एक कप भर चुका है, दूसरा कप हमने डाला था सिर्फ इसमें एक कप, मटेरियल कितना निकला है देखिए दोस्तों, एक कप डालने से एक कप तो ऑलरेडी भर चुका है, यहाँ पे फिल हो चुका है, ये पौने दो कप माल निकला है इसमें से, देखिए दोस्तों एक कप डालने से पौने दो कप माल इसके अंदर से निकला है बेहतरीन क्वालिटी का, और एकदम लो वेट है दोस्तों, पाउडर बन चुका है इसका, आइस का पाउडर, आइसक्रीम बोलो आइसक्रीम भी बोल सकते हैं, पाउडर बोलना है पाउडर बोल सकते हैं, आप देखिए इसका क्वालिटी देखिए, सीधा डाल के सीधा ऊपर से ग्राहक जो बोलेगा उसको कि ये प्रोडक्ट खाना है सीधा वो डाल दिया, सीधा बन के निकल जाएगा दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों आपको सोडा का ड्रिंक निकालना है, जैसे एप्पी फिश पड़ा है और जो हमने मटेरियल डाला दोस्तों 0-0 हो चुका है, उसके बाद कोई दूसरा कस्टमर आके दूसरा फ्लेवर मांगता है तो आप उसको सीधा दूसरा फ्लेवर भी दे सकते हो, देखिए दूसरा फ्लेवर हमने डाला एप्पी फिश का, देखिए ये हमारा एप्पी फिश का फ्लेवर निकलना चालू हो चुका है, कोई भी कस्टमर कैसा भी प्रोडक्ट मांगता है उसको आसानी से आप लाइव टू लाइव वो प्रोडक्ट बना के इंस्टेंट दे सकते हो, वाटर बेस्ड है, मिल्क बेस्ड है, नेचुरल है, दूध कोल्डिंग है, दो मिल्क शेक है दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट तुरंत डालेंगे तुरंत बन के इसका स्नो बन गया, देखिए दोस्तों कितना क्वांटिटी से माल निकला है, देखिए दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी का स्नो फ्लेक्स बन के एकदम रूई जैसा लो वेट मटेरियल निकला है, जूम करके दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, अब देखिए बेहतरीन क्वालिटी का स्नो फ्लेक्स बनके निकला है दोस्तों, तकरीबन हमने इसके अंदर से 3 रुपए का माल डाला है, 3 रुपए का प्रोडक्ट आपको गिराया, बाजार में कितने का बेच सकते हो आप खुद सोच सकते हो दोस्तों, अब देखिए वही हिसाब से कोई भी अलग अलग फ्लेवर कोई भी अलग अलग ड्रिंक का मटेरियल इसमें से आप निकाल सकते हो दोस्तों। ये मशीन की कैपेसिटी 24 घंटे में 55 किलो स्नो फ्लेक्स बना के निकालती है, 24 आवर्स की 55 किलो की कैपेसिटी है, यहाँ पे पूरा स्टील बॉडी दिया है, यहाँ पे छत्ता इसको हमने कर दिया है जिससे आप कस्टमर आएंगे ग्राहक आएंगे आपके तो छांव में खड़े रह के आसानी से प्रोडक्ट को खा सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे हैवी व्हील दिया है, यहाँ पे मूवमेंट वाला व्हील करके दिया है हमने, यहाँ पे बैटरी इन्वर्टर है और यहाँ पे उसका प्लग इन करके दिया है, जो पावर इलेक्ट्रिक का जो पावर जाएगा यहां से प्लग इन फ्लो पावर आ जाएगा, बैटरी को चार्ज करने के लिए यहां पे प्लग दिया, जब बैटरी खत्म हो जाता है तब यहां से आप चार्ज कर सकते हो, एक बार चार्जिंग करने से दोस्तों 5 से 6 घंटे तक आप बिजनेस को कंटिन्यू रोड के ऊपर खड़े रहकर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर बड़ा मॉडल चाहिए आपको, दुकान है आपके पास, शॉप है, कोई भी फ्रूट शॉप है, जूस शॉप है, वहां पे आप ये बड़ी मशीन लगा सकते हो दोस्तों। इसकी कैपेसिटी है दोस्तों 24 घंटे में 250 किलो की कैपेसिटी, 24 घंटे में 250 केजी स्नो फ्लेक्स आप बना के कस्टमर को निकाल सकते हो दोस्तों, खिला सकते हैं। मशीन के अंदर से दोस्तों आप इस तरह से नेचुरल जूस डाल सकते हो, हमारे पास ऑरेंज पड़ा है नेचुरल जूस डाल सकते हो, नारियल पड़ा है हमारे पास नारियल पानी डाल सकते हो, इस तरह से मालास कंपनी के शरबत इस पड़े इसको भी आप निकाल सकते हो दोस्तों, आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट तुरंत बना, इस तरह का मिल्क पड़ा है हमारे पास इसको मिल्क भी निकाल सकते हो इसमें। फिलहाल मैं आपको मशीन में से नेचुरल फ्रूट जूस का ऑरेंज का जूस बना के दिखाऊंगा दोस्तों, आप देखिए लाइव टू लाइव आपके सामने जूस डालेंगे इसमें से, आप देखिए देखिए नेचुरल जूस आना चालू हो चुका है दोस्तों, आप देखिए तुरंत डालने के तुरंत बाद जूस आना चालू हो चुका है, देखिए या ऑरेंज का जूस आना चालू हो चुका है दोस्तों, आप देखिए
ओके, फ्रेश नेचुरल ऑरेंज का जूस गिनना चालू हो चुका है दोस्तों। इसमें बेहतरीन क्वालिटी का, कोई भी मिलावट नहीं है दोस्तों। इसको लाइव टू लाइव प्रोडक्ट बन के निकल रहा है इसमें से। देखिए नेचुरल फ्रूट जूस आके चालू हो चुका है ना इसमें। जितना जूस पड़ा है उतना आएगा दोस्तों, उसके बाद आना गिरना बंद हो जाएगा, माल कम हो जाएगा, इसलिए दूसरा आप नेक्स्ट फ्लेवर बना के दे सकते हो। नेचुरल ऑरेंज का जूस है, देखिए बेहतरीन क्वालिटी का स्नो बना के निकाल दिया मशीन ने। अगर इसमें आपको फ्लेप बनाना है जूस की जगह उसका पट्टी बनाना है तो आप पट्टी भी बना सकते हो दोस्तों। अभी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कोकोनट वाटर पड़ा हुआ है, नेचुरल कोकोनट वाटर है हमारे पास। देखिए अभी हम कोकोनट वाटर का आपको फ्रेश कोकोनट वाटर का स्नो बना के दिखाने वाले दोस्तों। आप देखिए हमें कोकोनट वाटर का फ्रेश कोकोनट वाटर का स्नो निकालेंगे दोस्तों। आप देखिए यहां पे हमारे पास कोकोनट वाटर पड़ा हुआ है, इसको हम डालेंगे इसमें लाइव टू लाइव। अब देखिए ऊपर से जैसे डाला नीचे से कोकोनट वाटर निकलना चालू हो चुका है। देखिए दोस्तों देखिए कैसा बेहतरीन क्वालिटी का कोकोनट वाटर निकल रहा है। देखिए इसमें से एक कप भर चुका है यहाँ पे हमारे पास, दूसरा कप आ रहा है और फ्लैपिंग टैंक का गिर रहा है। देखिए किस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का गिर रहा है, थोड़ा जूम करके बताइए हमारे व्यूअर्स को। अब देखिए तीसरा कप भरेगा दोस्तों। आप देखिए अभी ये चौथा कप भरेंगे, यहां पे चार कप ऑलरेडी भर चुके हैं। जितना कोकोनट वाटर होगा उतना निकलेगा, उसके बाद निकलना बंद हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए एक दो तीन चार पांच कप ऑलरेडी भर चुके हैं, छठा कप भर रहा है इसके अंदर से। तकरीबन एक कोकोनट हम लाए थे 50 रुपए का लाए थे दोस्तों, नेचुरल कोकोनट का जूस का 50 रुपए का हम लेके आए थे बाजार से दोस्तों। आप देखिए एक दो तीन चार पांच छह सिक्स कप भर चुके ऑलरेडी, सातवां कप भर रहा है। कोई मिलावट नहीं है दोस्तों, नेचुरल चीज मिलेगा दोस्तों, पानी जरा भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। लाइव आपके सामने कोकोनट वाटर डाला है और लाइव निकल रहा है इसमें से। देखिए ये फिनिश हो चुका है, गिरना बंद हो चुका है। देखिए दोस्तों 0-0 हो चुका है यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच छह सेवन कप बिकाए दोस्तों। कम से कम आप 20 रुपए का नेचुरल स्नो कोकोनट का स्नो बेच सकते हो दोस्तों, कस्टमर के सामने लाइव निकाल के दोस्तों। कम से कम एक दो तीन चार पांच छह सात सेवन कप भरेगा दोस्तों, तकरीबन 50 रुपए का माल का दोस्तों आपको 140 रुपया कम से कम दोस्तों आएगा इसके अंदर से। इसी तरह से दोस्तों आप इस तरह का हमारे पास मालास का सिरप पड़ा हुआ है, अभी भी इसको हटा देते हैं यहां से। अब
कभी आपको सिंथेटिक में जाना है दोस्तों, इस तरह से आप सिंथेटिक का भी बना सकते हो। स्ट्रॉबेरी का मालास का है हमारे पास, यहाँ पे मौसम्बी का पड़ा हुआ है मालास का, यहाँ पे पाइनएप्पल का पड़ा हुआ है दोस्तों, आप देखिए कोई भी। अभी आपको इसमें से फ्लेप निकालना है, स्नो नहीं निकालना है, फ्लेप बनाना है, तो अभी हम आपको फ्लेप बना के दिखाएंगे दोस्तों। अभी इसमें से आपको नेचुरल जूस, अभी एक बाकी हमारे पास है वो शुगर केन का नेचुरल जूस आपको निकाल के बताएंगे। हमारे पास यहाँ पे शुगर केन पड़ा हुआ है दोस्तों, आप देखिए ये शुगर केन पड़ा है, इसमें से हम जूस निकालेंगे शुगर केन का। यहाँ से मशीन में से शुगर केन पड़ा है हमारे पास, आप देखिए पीछे से वेस्टेज आ चुका है। यहाँ पे आप देखिए वन टाइम में 97% क्रशिंग कर दिया, इसको एक ही बार में चूरा कर दिया है। अभी इसमें से हम जूस निकालेंगे, फ्रेश क्लीन और गल के जूस निकलेंगे इसमें से। देखिए दोस्तों एकदम ग्रीन कलर का, हरा कलर का, देखिए थोड़ा। अभी सीधा शुगर केन का जूस इसमें डालेंगे, तकरीबन 2 रुपए का माल है दोस्तों, नेचुरल शुगर केन जूस 2 रुपए का माल है। बोला खाली कप आप ही देने भाई, वसीम लाओने, खाली कप आप ही देने। अभी हम शुगर केन का जूस है उसका भी फ्लैप बना के दिखाएंगे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे लाइव टू लाइव शुगर केन का जूस डालेंगे इसमें से। ये देखिए फ्लेप बन के बड़ा पट्टी बनना कितना चालू हो चुका है, देखिए दोस्तों इसमें। एक कप हमने शुगर केन डाला था दोस्तों इसके अंदर, देखिए ये पीसीस में पट्टी बेस में आ रहा है देखिए दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें डिस्प्ले में से इसका सेटिंग चेंज कर दिया था, इसलिए इसका वैरायटी अलग हो चुका है। अगर आपको स्नो टाइप में चाहिए तो स्नो टाइप निकाल सकते हो, अगर फ्लैप टाइप में चाहिए तो फ्लैप टाइप में भी इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए फिलहाल अभी हम इसमें से फ्लैप टाइप में निकाल रहे हैं। 2 कप निकला है, हमने डाला था सिर्फ इसमें दोस्तों 1 कप डाला था, कम से कम 2 रुपए का 100 ml डाला था शुगर केन का नेचुरल जूस। ये शुगर केन का स्नो कितना बन के निकल रहा है दोस्तों, आप देखिए इसमें तकरीबन 1 कप डाला था दोस्तों, 3 कप मटेरियल बन के निकला इसमें से। देखिए ये 0-0 हो चुका है, देखिए पूरा यहाँ पे क्लीनिंग हो रहा है पूरा रोलर। दो रुपए का माल के अंदर 3 कप बन के निकले दोस्तों, तकरीबन 1-1 रुपए का कप का कॉस्टिंग है, 2 रुपए का मटेरियल, 5 रुपए के अंदर दोस्तों हमको ये 3 अलग अलग वेराइटी कप बन के निकला है मशीन के अंदर से। अभी दोस्तों हमने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे पाइनएप्पल हमारे पास मालास कंपनी का सिंथेटिक फ्लेवर पड़ा हुआ है, उसका मटेरियल आपको निकाल के दिखाएंगे दोस्तों इसमें से। 1 कप भरेंगे इसमें से, आप देखिए ये ऑलरेडी वाटर मिक्स किया हुआ है दोस्तों, नेचुरल नहीं है, इसमें पानी हमने ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। अभी हम इसका आपको फ्लैप बना के दिखाएंगे इसमें से, आप देखिए फ्लैप बन के आएंगे इसमें से, हम लाइव टू लाइव इसको डालेंगे। ये पट्टी निकाल लेंगे, जब आपको फ्लैप निकालने पट्टी को निकाल देना है यहाँ से, आप देखिए देखिए गिरना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए कैसा रोल बन रहा है, बेहतरीन क्वालिटी का, देखिए ये पूरा फ्लैप बन रहा है इसमें से। देखिए कैसा बेहतरीन फ्लैप बन रहा है इसका, पट्टी कितना अच्छा बन रहा है, देखिए जूम करके बताइए हमारे व्यूअर्स को। जैसा वैरायटी का आपको बनाना है वैसा वैरायटी का मटेरियल इसमें से बना सकते हैं, देखिए
ये सभी चीज हमने आपको वाटर बेस बताई दोस्तों, पानी की मटेरियल की सभी चीज बताई हमने। देखिए इस तरह का आप लेटर बना के ऊपर नेचुरल फ्रूट डाल के डेकोरेशन करके टॉपिस डाल से 50 से 60 रुपए का आप डिश बना सकते हो। ये तकरीबन बनाने का खर्चा दोस्तों 6 से 7 रुपए में आपको पड़ा हुआ है दोस्तों। वही हिसाब से दोस्तों जो हमने खाली आपको मशीन बनाई थी, ये 50 से 55 किलो की खाली मशीन आपको चाहिए तो आप खाली मशीन भी ले सकते हो दोस्तों, कार्ड चाहिए तो पूरा कार्ड भी ले सकते हो दोस्तों। इस तरह का वाटर बेस आप कंटिन्यू निकाल के एक गोला जो रहता है बाजार में, जो गोला मिलता है सल्ली गोला, वैसे आप सल्ली गोला भी ऐसे बना सकते हो दोस्तों। आप देखिए इस तरह से सल्ली गोला भी आप बना के सल्ली डाल के भी दे सकते हो बिना आइस के, ओनली पानी डाल के आइस निकाल सकते हो। इस तरह से आप इसको कप रहता है तो कप में भी ऐसे डाल के सल्ली गोला बना सकते हो। देखिए इसके अंदर एक स्पून डाल देना है आपको, स्ट्रॉ लकड़े का डाल देना है, उसको ऐसे निकाल लेना है। फिर देखिए ये पूरा गोला बन चुका है, इसके अंदर आगे सल्ली डाल दिया और इसका पूरा गोला ऊपर से सिरप, जो भी कस्टमर मांगेगा वो कस्टमर को सिरप डाल के इसका गोला बना के भी दे सकते हो। अगर प्लेटर बनाना है दोस्तों तो इस तरह से आप इसमें से आइस लेके प्लेटर भी बना सकते हो। हम देखिए 100+ वेराइटीज इसके अंदर बना सकते हो। इससे आप नेचुरल ड्राई आइस लेके इसे आइस का प्लेट बना के, अब देखिए पूरा आइस का भर चुका है यहाँ पे टब हमारे पास। इस तरह से पूरा आइस का प्लेटर बना सकते हो। प्लेटर बनाने के बाद ऊपर जो भी आपको सिरप डालना है, इस तरह का टॉपिंग्स डालना है इसके ऊपर अलग अलग तरीके से। आप देखिए ऐसे सिरप डालना है इसके ऊपर, मलाई डालना है, रबड़ी डालना है आपको, डेकोरेशन के लिए कुछ भी करना है, ड्राई फ्रूट डालना है, तो ऐसे आप प्लेटर बना के भी बाजार में सेल कर सकते हो। और नेक्स्ट मॉडल है दोस्तों, उसके बाद का मॉडल है दोस्तों 16 सेंटीमीटर रोलर डिजिटल टच डिस्प्ले, 1.5 एचपी का इम्ब्राको ब्रांड का कंप्रेसर दोस्तों, 24 घंटे में 400 किलो का कैपेसिटी, 1 घंटे में 17 किलो स्नो बना के निकाल सकते हो, पानी का, शरबत का, जूस का, मिल्क का, कोई भी प्रोडक्ट का। यह मशीन में से मैं आपको दोस्तों मिल्क का प्रोडक्ट निकाल के दिखाऊंगा। ये मिल्क पड़ा है मेरे पास, देखिए मिल्क का कोई भी आप फ्लेवर डाल के मिल्क का स्नो और प्लेटर बना के अपने कस्टमर को दे सकते हो। फिलहाल अभी हम इसके अंदर मिल्क का स्नो बनाएंगे, उसके बाद आपको फ्लैप बना के दिखाएंगे दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास मिल्क पड़ा हुआ है, तकरीबन 20 रुपीस का माल है हमारे पास। देखिए 20 रुपए का एमआरपी लिखा हुआ है, ये बोतल का कीमत 20 रुपया है। अभी हमें मिल्क इसके अंदर डालेंगे, लाइव टू लाइव डालेंगे आपके सामने दोस्तों। अब देखिए देखिए मिल्क का बेहतरीन क्वालिटी का स्नो बनकर निकलने वाला है। देखिए दोस्तों इस तरह का मिल्क का प्लेटर बन चुका है, 20 रुपीस का कॉस्टिंग आएगा आपको, तकरीबन 60 70 या 80 रुपए में आप इस प्लेटर को बेच सकते हो। उसके ऊपर आपको कुछ भी डेकोरेशन करना है दोस्तों अलग अलग, स्टार्ट से हमारे पास ट्विंकल पड़े, टॉपिंग्स पड़े, देखिए दोस्तों इस तरह से आप अलग अलग ट्विंकल टॉपिंग्स को डेकोरेशन कर सकते हैं, या तो ड्राई फ्रूट डाले और नेचुरल कोई भी फ्रूट डालो, फ्रूट का डेकोरेशन करो कटिंग करके। आप देखिए इस तरह से आप इसको ट्विंकल टॉपिंग्स डाल सकते हो अलग अलग। अब देखिए हमारा डेकोरेशन डिश यहाँ पे डेकोरेटिंग हो चुका है बेहतरीन क्वालिटी का। अब देखिए अभी उसके बाद आपको इसका फ्लैप बनाना है दोस्तों। आपको ये अभी हमने स्नो निकाला मिल्क बेस वाला, अभी आपको इसका फ्लैप बनाना है, तो फ्लैपिंग के लिए दोस्तों हम अलग मटेरियल यहाँ पे ले लेंगे, इसका थोड़ा डिस्प्ले में से सेटिंग कर लेंगे अगर फ्लैप बनाना है तो। उसके लिए अभी हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का मटेरियल पड़ा है हमारे पास, इसको डालेंगे स्ट्रॉबेरी मटेरियल को। स्ट्रॉबेरी का मटेरियल हमने डाल दिया है, यहां से प्लेट को निकाल लेंगे। ये फ्लैप आना चालू हो गया, देखिए दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी का रोल फॉर्म में आइसक्रीम बन रहा है इसमें से। अब देखिए देखिए कैसा बेहतरीन रोल बन के आ रहा है इसमें से।
हर एक मशीन में आप हर एक तरह का मटेरियल निकाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ये मशीन में ये मटेरियल निकलेगा। अगर आपने छोटा मशीन लिया है तो उसमें भी आप ये निकाल सकते हो। हमारे पास एक साथ इतने सारे मशीन है तो हमने आपको अलग अलग वेराइटीज अलग अलग प्रोडक्ट बना के निकाल के दिखाए। देखिए दोस्तों इसका फ्लैप का क्वालिटी देखिए दोस्तों, कैसा क्वालिटी से फ्लैप बन रहा है, बेहतरीन क्वालिटी से। देखिए ये प्लेटर बनाने का खर्चा तकरीबन आपको 12 से 15 रुपए में गिरेगा। कम से कम दोस्तों आप 80 से 100 रुपए में इस प्लेटर को बेच सकते हो। अब देखिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का हमने मटेरियल डाला है, मिल्क डाला है इसके अंदर। आप उसके ऊपर अलग अलग डेकोरेशन अलग अलग टॉपिंग्स कर सकते हो। डिजिटली डिस्प्ले में से आप सेट कर सकते हो कि आपको स्नो निकालना है या फ्लैप निकालना है। ये 0-0 हो गया मटेरियल। देखिए ये मटेरियल कम और इसका फ्लैप का क्वालिटी देखिए दोस्तों। अब देखिए इसका आप देखिए क्वालिटी देखिए इसको कैसा बेहतरीन क्वालिटी का फ्लैप है पूरा। देखिए ये टर्निंग हो रहा है, जो डाउन हो रहा है इसका क्वालिटी देखिए। अब देखिए ये सभी मशीन का दोस्तों हमने आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिया कि कैसे ऑपरेट होती है, कैसे मशीन में आप कौन से प्रोडक्ट का इनोवेशन कर सकते हैं। गुरु थी क्यों कैसे कैसे आप हर एक प्रोडक्ट का इनोवेशन कर सकते हैं। सभी मॉडल्स की हमने आपको लाइव वीडियोग्राफी दिखाई दोस्तों के हर एक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप लिक्विड वेस्ट खाने पीने की पानी से लेके दोस्तों मिल्क से के थिक से के जूस से नेचुरल फ्रूट है कोई भी प्रोडक्ट का तुरंत 5 सेकेंड के अंदर स्नो बना के निकाल सकते हो दोस्तों। इसमें से बंद करी दे बेबी मशीन की क्वालिटी है दोस्तों, फुल्ली स्टेनलेस स्टील से मशीन को बनाया गया दोस्तों। एम्ब्राको कंपनी का वर्ल्ड की टॉप 3 नंबर की कंपनी का कूलिंग कंप्रेसर डाला हुआ है। इनसाइड जितने भी इक्विपमेंट है दोस्तों टोटली कॉपर वाइट से बनाया हुआ है। डिजिटल टच पैनल है, स्टेनलेस स्टील का रोलर दिया गया है, हैवी ड्यूटी टेम्परेट ब्लेड डाला हुआ है। मशीन का साइड बॉडी आपको खोल के दिखाएंगे दोस्तों। इसमें जो कूलिंग कंप्रेसर डाला है दोस्तों वो एम्ब्राको कंपनी का है, ओरिजिनल कंप्रेसर डाला हुआ है जिसको हम आपको खोल के दिखाएंगे। क्योंकि बाजार में जो मशीनें मिलती है उसमें दोस्तों चाइनीज बोतल टाइप का रोटरी कंप्रेसर डाला रहता है, इसमें हार्मेटिक कंप्रेसर डाला है। अब देखिए ये साइड का बॉडी आपको ओपन करके दिखाए तभी आपको इसमें मालूम होगा कि बाजार में जो चीज मिल रही है और हमारी चीज में क्या अंतर और क्या फर्क रहता है। और जो मशीन का मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसका कंप्रेसर है। देखिए एम्ब्राको कंपनी का कंप्रेसर है, वर्ल्ड की टॉप 3 नंबर की ब्रांड से दिखाइए, यहाँ पे लिखा हुआ इम्ब्रा को पढ़ाइए हमारे व्यूवर्स को। अब देखिए इसको गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो इस ब्रांड को, देखा इस अब देखिए इम्ब्रा को करके और जूम करके दिखाइए। 1.5 HP मतलब 2.5 टन का कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर की खाली कंप्रेसर की कीमत है दोस्तों तकरीबन 45,000 रुपीस। जो बाजार में जो रोटरी कंप्रेसर मिलता है वो 7 से 8 हजार का कंप्रेसर, चाइनीज कंप्रेसर ग्रीक कंपनी का मिलता है वो 7 से 8 हजार का रहता है। तो उतना कॉस्टिंग सिर्फ कंप्रेसर चेंजिंग करने से आ जाता है। बाकी सब इक्विपमेंट है कि एल्यूमिनियम का पाइप रहता है, हमारी मशीन में कॉपर की पाइप रहती है, स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, 304 ग्रेड का रोलर है दोस्तों। और मशीनों के अंदर सभी मशीनों के अंदर दोस्तों क्वालिटी सेम और सिमिलर क्वालिटी रहता है दोस्तों। तो इस तरह की मशीनों की ज्यादा डिटेल ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।